Today, I talk about causes of cancer. Previously, मैंने already 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस कैंसर के ऊपर. ये 4 पार्ट causes of cancer, इस पार्ट पे causes of cancer and detection and diagnosis वाला पार्ट में डिस्कस करूँगा. नेक्स्ट वन में ट्रीटमेंट वो कंप्लीट कर दूंगा. ओके, 5th वीडियो. सो ये 4th वीडियो बनने जा रहे हैं. सो देखते हैं कॉज ऑफ कैंसर क्या क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैंसर के पीछे जो मेन दोज एजेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर कॉज सो आर कॉल्ड कार्सिनोजन. दैट मीन द कैंसर, सिंपल इसे बोलूँ तो द कैंसर कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड कार्सिनोजन. जो भी एजेंट कैंसर कॉजेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसी को कार्सिनोजन नाम दिया जाता है. जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए नॉर्मल सेल, कोई नॉर्मल सेल को ट्रांसफॉर्म कर रहा है कैंसरस, ओके, न्यूप्लास्टिक सेल में. न्यूप्लास्टिक दैट मीन्स ओके न्यू ग्रोथ. ओके, ग्रोथ ऑफ द सेल, जब अनकंट्रोल्ड मैनर में सेल ग्रोथ हो रहा है, दैट मीन नॉर्मल सेल में. मैंने प्रीवियस फर्स्ट वीडियो क्लिप्स में मैंने ये मैंने बताया था, जो नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बीच में डिफरेंस मैंने मेंशन किए थे. जो नॉर्मल सेल के पास एक रेगुलेटेड सेल डिवीजन, एक मेंटेन्ड सेल डिवीजन है. लेकिन कैंसर सेल के पास रेगुलेटेड या मेंटेन्ड सेल डिवीजन है, वो दैट मेकानिज्म बिकम लॉस्ट. ओके, सो कैंसरस सेल के पास कोई रेगुलेटेड सेल डिवीजन मेथड नहीं है, वहाँ पे उस मैकेनिज्म लॉस्ट हो रहा है और सेल डिवाइड होते ही जा रहा है. दैट मीन न्यूप्लास्टिक ग्रोथ, मतलब सेल डिवाइड होते जा रहा है इन ए अनकंट्रोल्ड मैनर या अनरेगुलेटेड मैनर. ओके, तो अनरेगुलेटेड मैनर में जब सेल डिवाइड कर रहा है, दैट ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूप्लास्टिक ग्रोथ. ओके, एंड द सेल इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड न्यूप्लास्टिक सेल. सो यही कह रहा हूँ, जो नॉर्मल सेल जिसके पास एक रेगुलेटेड मेकानिज्म था सेल डिवीजन का, वो एक अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन में चले गए हैं. और एक किसके वजह से हुआ है, कुछ फैक्टर के वजह से, वो हो सकते हैं फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट्स. ओके, तो इसी एजेंट को, बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल एजेंट को कहते हैं कार्सिनोजन. ओके, कार्सिनोजन. तो डिफरेंट टाइप ऑफ कार्सिनोजन के बारे में बात करूंगा. ओके, जी क्या क्या कार्सिनोजन, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, कौन सा कार्सिनोजन है, मैं सब के बारे में बात करूंगा. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, द रिस्पॉन्सिबल एजेंट इज आयोनाइजिंग रेडिएशन. आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्स रेस और गामा रेस का जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए, ये एवरी डे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज डिटेक्शन करने के लिए हम लोग एक्स रे करने पड़ते हैं. ओके, एक्स रे और गामा रे का रेडिएशन तो जो होते ही जा रहे. और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का बात करूँ तो यूवी रे, ओके, जो सनलाइट से आ रहा है, ओके, सन से आ रहा है. तो ड्यू टू ओजोन लेयर डिप्लेशन के वजह से, ओजोन लेयर जो डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन होल क्रिएट हो रहा है, उसी के वजह से सन से यूवी रे डायरेक्टली आ रहा है और डायरेक्टली स्किन में आके या प्लांट बॉडी या एनिमल्स बॉडी के ऊपर पड़ रहा है. और उसी के वजह से यही यूवी रे मेरा जो डीएनए है उसे चेंज करवा सकते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है, ओके, ह्यूमन बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो, किसी का भी बॉडी के ऊपर ये डीएनए को चेंज करवा सकती है, जेनेटिक मटेरियल को चेंज करवाने के लिए यूवी रे इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. ओके, एंड एक्स रे इज ऑल्सो, ओके, एक्स रे एंड गामा रेस इज ऑल्सो, ओके, ऑल्सो कॉजेस या चेंजेस द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एनिमल्स या प्लांट बॉडी. ओके, सो बोथ आयोनाइजिंग हो या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये क्या कर रहा है, डीएनए को डैमेज कर रहा है. डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, सो यही जेनेटिक मटेरियल में कुछ भी चेंजेस हो रहा है और वो चेंजेस के वजह से जो रेगुलेटेड जो सेल डिवीजन का मेथड था वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा. सो सेल डिवाइड नाउ अनरेगुलेटेड मैनर. ओके, इसी को मैं कह रहा हूँ न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, ये सब जो मैं डिस्कस कर रहे थे, तो ये सब फिजिकल फैक्टर या फिजिकल कार्सिनोजन का बात कर रहे थे.
नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे द केमिकल कार्सिनोजन। द केमिकल कार्सिनोजन जैसे टोबैको, टोबैको में मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया हूँ, जो टोबैको, टोबैको में निकोटिन है, स्मोकिंग जो टॉपिक था वहाँ पे मैंने स्मोकिंग, जो स्मोकिंग करने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक में स्पेसिफिकली बीड़ी या सिगरेट की बात करो तो वहाँ पे निकोटिन इज प्रेजेंट, ओके और निकोटिन इज ए, ओके निकोटिन इज ए और जो कैंसर कॉजिंग एजेंट, स्पेसिफिकली लंग्स कैंसर, ओके स्पेसिफिकली लंग्स कैंसर होने के पीछे जो रीजन है वो होती है टोबैको या निकोटिन का रोल, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता है। ऐसे और भी ढेर सारा फैक्टर्स है जो एक्चुअली कैंसर कॉजिंग एजेंट है। ओके बायोलॉजिकल कार्सिनोजन का बात करूँ तो कह रहा है जो वायरस ऑन्कोजेनिक वायरसेस, ओके आर कैंसर कॉजिंग वायरसेस। ऑन्कोजेनिक एक्चुअली मैं यहाँ पे बात करूँगा जो ऑन्कोजेन है क्या, एक्चुअली द स्टडी ऑफ कैंसर, एक्चुअली जो कैंसर होती है ऑन्कोजेन के वजह से कैंसर होते हैं ऑन्कोजेन। ओके सो कैंसर के पीछे जो जीन जो रेस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ जो आयोनाइजिंग रेडिएशन या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन या केमिकल कार्सिनोजेन, ये सभी का रोल ये है, ये सभी का रोल है जो डीएनए के अंदर जो जीन प्रेजेंट या जेनेटिक मटेरियल में जो जीन है, ओके जो एनिमल्स बॉडी में जो जीन है वो एक्चुअली प्रोटो ऑन्कोजिन कंडीशन में है, ओके दैट मीन इनएक्टिव कंडीशन में है, ओके इनएक्टिव कंडीशन में है। ओके व्हेन दिस फैक्टर्स दैट मीन एक्सरे, गामा रेस, यूवी रे या डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कार्सिनोजिन, ओके कार्सिनोजेंस एंटर्स इनटू आवर बॉडी, जब हम लोग बॉडी के अंदर आ रहे हैं, ओके यही प्रोटो ऑन्कोजिन, ओके यही प्रोटो ऑन्कोजिन, मैंने जो नाम लिए थे यहाँ पे प्रोटो ऑन्कोजिन का, जो प्रोटो ऑन्कोजिन नॉर्मली प्रेजेंट है, यही प्रोटो ऑन्कोजिन जब डिफरेंट केमिकल फिजिकल ओके फैक्टर्स की वजह से एक्टिवेटेड हो जाते हैं या इंड्यूस्ड होती है तो वो ऑन्कोजिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऑन्कोजिन क्या है, दैट इज ए कैंसर कॉजिंग जीन। ओके तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके द कैंसर कॉजिंग जीन्स आर कॉल्ड, तो क्या होगा, तो कैंसर कॉजिंग जीन होगा ऑन्कोजिन। और ऑन्कोजिन की वजह से जो कैंसर होती है, ओके ऑन्कोजिन की वजह से कैंसर हो रहा है, इसीलिए द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। ओके ऑन्कोलॉजी हायर स्टडी में एक मतलब चैप्टर ही होते, कैंसर नाम का कोई टॉपिक नहीं होते, वहाँ पे पढ़ाया जाता है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट या डिफरेंट टाइप ऑफ हॉस्पिटल में जो कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट दैट मीन कैंसर डिपार्टमेंट का मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये किस लिए ऑन्कोलॉजी नाम रखा गया, ऑन्को मतलब यहाँ पे एक्चुअली उस ऑन्कोजीन की बात कर रहे हैं, क्योंकि कैंसर होने के पीछे यही जीन रिस्पॉन्सिबल है, यही जीन एक्चुअली नॉर्मल बॉडी में ये प्रोटो ऑन्कोजिन कंडीशन में है या प्रोटो मतलब इनएक्टिव कंडीशन में है। ओके इससे सिर्फ एक्टिवेट होने के लिए सिर्फ इंड्यूसर चाहिए, ओके और इंड्यूसर के फॉर्म में जैसे एक्स रे, गामा रे, यूवी रे या केमिकल कार्सिनोजन। ओके केमिकल कार्सिनोजन नॉट ओनली प्रेजेंट इन टोबैको, तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया हूँ। ओके लोग जिस डेली लाइफ जो भी चीज़ यूज कर रहा हूँ मैक्सिमम प्रोडक्ट में ऐसे केमिकल कार्सिनोजन्स प्रेजेंट है। मैं सिंपली बात करता हूँ जो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर, ओके कलर यूज करता हूँ वो स्वीट्स हो या डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट हो जहाँ पे ऐसे कुछ सब्सटेंस मिलाए जाते हैं जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके स्पेसिफिकली कलर की बात करूँ जो स्वीट्स होते हैं तो स्वीट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ कलर मिला के उसे अलग 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 फॉर्म अलग अलग रंग बिरंगे स्वीट्स बनाए जाते हैं, तो एक्चुअली ये जो रंग है ये एक्चुअली कैंसर कॉजिंग एजेंट है मोस्ट ऑफ द। ओके मैं सभी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम उसमें क्या है कैंसर कॉजिंग एजेंट है। तो ये है कॉजेस ऑफ कैंसर। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। मैं डिटेक्ट कैसे करूँ जो कैंसर हुआ है किसी का, ओके या डायग्नोसिस कैसे करूँ, कोई तो मेथड होगा। ओके तो अर्ली डिटेक्शन मतलब शुरू, कैंसर का अलग अलग स्टेज होती है तो शुरू शुरू में ये डिटेक्ट हो गया तो अर्ली डिटेक्शन हुआ तो इसे मैं आसानी से इसे ट्रीट कर सकता हूँ। ओके अर्ली डिटेक्शन हुआ तो आसानी से ट्रीट, लेकिन लास्ट स्टेज में आकर डिटेक्ट हो रहा है तो उस स्टेज में सेल तो मतलब मैक्सिमम सेल ये हो चुका है, फॉर्म हो चुका है, तो मतलब पूरा बॉडी में फैल जाएगा।
ओके पूरा बॉडी में फैल जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस एक वीडियो में देख चुका हूँ जो मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी यही होती है कैंसर सेल का मेन प्रॉपर्टी, जिसके थ्रू मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी के थ्रू क्या होगा, ब्लड वेसल को पेनिट्रेट कर रहा है, ब्लड वेसल को ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद ब्लड वेसल के थ्रू पूरा ब्लड सर्कुलेशन में आ रहा है और पूरा बॉडी में या डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेन को अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग मेथड है डिटेक्ट करने के लिए, तो वो है बायोप्सी फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड। बायोप्सी में यहाँ पे बायोस नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे बायोलॉजिकल कुछ पार्ट यहाँ पे डिटेक्ट किया जाएगा। मतलब जहाँ पे सपोज दैट मुझे लंग्स कैंसर हुआ है या कोई सस्पेक्ट कर रहा हूँ जो यहाँ पे मुझे कैंसर, मेरे ब्लड कैंसर हुआ है, सस्पेक्ट कर रहा है कोई डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या होगा, ब्लड लेगा। तो वही कह रहा है अ पीस ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू, जहाँ पे मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ या ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, यस मैं ब्रेस्ट कैंसर या यूटरस कैंसर, ओके सर्विकल कैंसर, अलग अलग कैंसर होती है। तो ये जो मैं सस्पेक्ट कर रहा, डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे जी यहाँ पे हो सकते हैं कैंसर, इसी के वजह से प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, सपोज दैट ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो ब्रेस्ट का कोई टिश्यू लेगा, सो ब्रेस्ट ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू वहाँ पे काट ले। ओके सस्पेक्टेड टिश्यू काटने के बाद उसे हिस्टोपैथोलॉजिकल, हिस्टो देखो कोई भी टिश्यू को जब स्टडी करता हूँ द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, और उसी को जब मैं फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल पर्पस में यूज कर रहा हूँ, कोई भी बीमारी या डिजीज डिटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ, तो उसे कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यू। आई थिंक अंडरस्टूड, ओके द स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू के बाद सिर्फ टिश्यू के बारे में पढ़ रहा हूँ, जैसे लेबोरेटरी में हम लोग लेबोरेटरी में जो करते हैं स्पेसिफिकली जो रिसर्चर हैं, जो रिसर्चर वो एक्चुअली रिसर्चर जो है वो एक्चुअली परफॉर्म करते हैं टिश्यू को सिर्फ स्टडी करने के लिए, ओके डिजीज को परफॉर्म करने के लिए। मेडिकल जो लैब है वहाँ पे डिजीज को एक्चुअली डिटेक्ट करने के लिए परफॉर्म किया जाता है, वो होती है हिस्टोपैथोलॉजिकल, क्योंकि पैथोलॉजी दैट मीन द स्टडी ऑफ डिजीज, डिजीज के बारे में जब एनालिसिस करता हूँ तो उसी को कहते हैं पैथोलॉजी, और हिस्टो मतलब टिश्यू को, द स्टडी ऑफ टिश्यू। तो मैंने जो टिश्यू को कलेक्ट किया हूँ उस टिश्यू को क्या करना होगा, ओके टिश्यू को सस्पेक्टेड टिश्यू को हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करना होगा। यह फर्स्ट मेथड टू डिटेक्ट द कैंसर। ओके नेक्स्ट मेथड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट। ओके ल्यूकोमिया, ल्यूकोमिया मैं एक टॉपिक यहाँ पे और भी एक वीडियो क्लिप्स में नेक्स्ट वीडियो क्लिप्स में ऐड कर दूंगा, जो एक्चुअली डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर, सपोज दैट एपिथेलियल टिश्यू में कैंसर हुआ है तो उस कैंसर का अलग नाम होगा, ब्लड में कैंसर हुआ है तो उस कैंसर का अलग नाम होगा, तो ऐसे ल्यूकोमिया, ल्यूकोमिया दैट मीन ब्लड कैंसर को कहा जाते हैं ल्यूकोमिया। तो ओके तो स्पेसिफिकली जब ल्यूकोमिया होते हैं तो ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट किया जाते हैं, रेडियोग्राफी दैट मीन यूज ऑफ एक्सरे को यूज करते हुए यहाँ पे, सीटी दैट मीन कंप्यूटेड टोपोग्राफी यहाँ पे यूज किया जाते हैं। ओके इस टेक्निक में यहाँ पे एक्सरे को यूज करते हुए थ्री डायमेंशनल यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे, मतलब कोई भी सस्पेक्ट मैं मान रहा हूँ जो यहाँ पे हुआ है तो उस सस्पेक्ट को भी 3D फिगर जब चाहिए मुझे, ओके टोपोग्राफी है कंप्यूटेड टोपोग्राफी होगा। ओके नेक्स्ट वन MRI टेक्निक, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस में यहाँ पे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ओके रेजोनेंस ऑलरेडी फिजिक्स में ऑलरेडी क्लास ICSE बोर्ड का जो फिजिक्स है वहाँ पे जो रेजोनेंस पढ़ाया गया साउंड चैप्टर में, जो रेजोनेंस दैट मीन्स मैं यहाँ पे रेजोनेंस के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। ओके सो यहाँ पे रेजोनेंस को यूज़ करते हुए स्ट्रॉक मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन को यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस मैं देख रहा हूँ टिश्यू के अंदर। ओके जी क्या चेंजेस हुआ है, नॉर्मल सेल के जैसे है या नहीं है, उसका शेप अभी भी नॉर्मल है या नहीं है, उसका इरेगुलर नहीं हो गया, तो ये सब देखना होगा मुझे किसके थ्रू, MRI के थ्रू। एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, मुझे यहाँ पे सर्टेन सभी कैंसर के लिए नहीं तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ कैंसर के लिए मैं एंटीबॉडी डिटेक्शन, क्योंकि बाहर से कोई कार्सिनोजन गया है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा बॉडी के अंदर क्या होगा, एंटीबॉडी क्रिएट होगा, तो मैं एक्चुअली एंटीबॉडी को टेस्ट करता हूँ कि मेरे बॉडी के अंदर कोई ऐसा एंटीबॉडी है या नहीं है। सपोज दैट एंटीबॉडी मिल गया तो मेरे दैट सस्पेक्टेड, मतलब जो सस्पेक्ट किए थे डॉक्टर ने वो क्या होगा, वो कन्फर्म है। ओके ये एक्चुअली कंफर्मेटरी टेस्ट है। ओके एंटीबॉडीज,
ओके नेक्स्ट है टेक्निकों पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दैट मीन कुछ इनहेरिटेड। सपोज दैट कोई किसी का प्रीवियस जेनरेशन मानता हूँ जी, किसी भी पर्सन किसी भी पर इनहेरिटेड कोई बीमारी था या कैंसर था, तो ये सपोज दैट लंग्स कैंसर की वजह से मरे गए थे, तो अच्छे जो नेक्स्ट जनरेशन होगा नेक्स्ट जनरेशन हो के उससे थोड़ा सा सोच समझ के चलना चाहिए। जो लंग्स कैंसर है, लंग्स कैंसर जिसे टोबैको स्मोक करने के वजह से जो ज़्यादातर होते हैं, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उससे अच्छे थोड़ा सा ये प्रिकॉशन लेना चाहिए कि मुझे जो लंग्स कैंसर का टेंडेंसी, क्योंकि जेनेटिकली ये हेरिटेड इनहेरिटेड हो सकते हैं, ज़्यादातर नहीं लेकिन ओके ये तो हेरिडिटरी डिजीज नहीं है। अच्छा फिर भी कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक कुछ फॉर्म में जैसे टोबैको या लंग्स कैंसर के फॉर्म में तो एक्सपोजर किया जाते हैं, जिस सच इंडिविजुअल्स में भी एडवाइस टू अवॉइड। ओके उसे एडवाइस्ड किया जाते हैं क्या अवॉइड करने के लिए, पर्टिकुलर कार्सिनोजन कैबुक्स जो टोबैको या बीड़ी या सिगरेट उससे दूर रहने के लिए, क्योंकि उसके इनहेरिटेड कोई प्रीवियस जनरेशन लंग्स कैंसर की वजह से डाइड हुए थे मरे गए थे, इसी के वजह से वहाँ पे एक प्रेस। लेकिन ऑल्सो मॉलिकुलर बायोलॉजी का आस्बिटोजिन ये अंडर एक्सपेरिमेंट है, सो ये तो टोटली नहीं, लेकिन तो डिफरेंट टेक्निक है। तो यहाँ पे बायोप्सी किया जाते हैं, मोस्ट ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोप्सी, ये सबसे ऑथेंटिक टेस्ट है बायोप्सी कैंसर डिटेक्शन के लिए। ओके एंड नेक्स्ट वन मैं ट्रीटमेंट डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लिप्स में। आई थिंक सबको समझ में आया, तो मैंने आज टोटल जो वीडियो क्लिप्स मैंने डिस्कस किया था तो उसमें मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब किया हूँ यहाँ पे कॉजेस ऑफ कैंसर, ओके कॉजेस ऑफ कैंसर ओके और ऑन्कोजिन के बारे में। तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट इज कार्सिनोजेंस या व्हाट डू यू मीन बाय कार्सिनोजेन, यही और नेम फिजिकल केमिकल या बायोलॉजिकल कार्सिनोजन का ऐसे कुछ नाम आ सकते। तो फिजिकल आया तो टचे मैं दे दूंगा, केमिकल आया तो ऐसे एग्जांपल दे दूंगा एक दो, या बायोलॉजिकल आया तो ऑन्कोजिन के बारे में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकते हो व्हाट इज ऑन्कोजिन, ओके ऑन्कोजिन क्या है, ओके या अल्ट यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकते हैं जी कैंसर कॉजिंग की, या कैंसर के लिए कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है, तो ऑन्कोजिन रेस्पॉन्सिबल है। ओके नेक्स्ट वन मैं कैंसर डिटेक्शन और डायग्नोसिस, तो मैंने तो यहाँ पर डिटेक्शन सिर्फ बताया हूँ, डायग्नोसिस नेक्स्ट वीडियो क्लिप में बताऊंगा। तो डिटेक्शन में यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक मैंने बताया हूँ, सो आज यहाँ पर टेक्निक का डिटेल्स यहाँ पर नहीं आएगा टेक्निक के बारे में, इसीलिए मैंने कोई भी टेक्निक के इनसाइड या डिटेल्स नहीं गया हूँ, सिर्फ कौन सा मेथड मैं यूज़ कर सकता हूँ टू डिटेक्ट द कैंसर मैंने वही डिस्कस यहाँ पे किया हूँ। नेक्स्ट वीडियो क्लिप्स में मैं ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस करूँगा। आई थिंक सबको समझ में आया है, थैंक यू।